गुड मॉर्निंग टू एवरी। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हालांकि दोनों कोरिलेटेड है। पहला नानेस्ट प्रमेय और दूसरा है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। क्या है पहले नानेस्ट ऊष्मा प्रमेय? परम शून्यता पर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन किए हुए अग्रसर होती है, यानी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल रिएक्शंस प्रोसीड विदाउट चेंज इन एनी वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी। मीन्स इस स्थिति में, परम शून्य ताप की स्थिति में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता। सारी जो रिएक्शंस है वो इस तरह से होती है कि एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हो। यह है नानेस्ट थ्योरम। अब इसके साथ में ही ऊष्मागतिकी का जो तीसरा नियम है वो संबंधित क्या है, है इसका स्टेटमेंट। पहला जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो ये वाला है कि यदि निकाय परम शून्य ताप पर है तो इसकी एंट्रोपी सार्वत्रिक नियतांक होती है, मीन्स दैट इज़ ए यूनिवर्सल कांस्टेंट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और सुविधा के लिए हम इसको जीरो मान लेते हैं, मीन्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम जीरो एंट्रोपी मान सकते हैं। ये ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है। अब इसके कई सारे रूप हो सकते हैं, इसे अपने सेकेंड लॉ के कई सारे रूप लिखे उसी तरह से इसके भी हो सकते हैं। पहला प्लैंक का कथन कि परम शून्यता पर ठोस एवं द्रव की एंट्रोपी शून्य होती है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड इज जीरो। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है वो लेविस एवं रेंडल का है। क्या कहता है? प्रत्येक तंत्र के एंट्रोपी परिमित एवं धनात्मक होती है, मीन्स एट नॉर्मल टेम्परेचर और एनी अदर टेम्परेचर एंट्रोपी पॉजिटिव एंड फाइनेट होती है, लेकिन परम शून्यता पर एंट्रोपी का मान जीरो हो जाता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट इज़ जीरो। शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए निश्चित ही एंट्रोपी का मान शून्य होता है, मीन्स दैट इज ए एब्सोल्यूटली जो प्योर क्रिस्टल मेटल होते हैं उनके लिए तो ये जीरो ही होता है। चीज़ एक ही है। क्या कहना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो पर हमने एक तरह से मान लिया, रेफरेंस मान लिया, एक निर्देश मान लिया कि एंट्रोपी का मान जीरो हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंट्रोपी बढ़ती जाती है, पॉजिटिव होती है। इसके तीसरे नियम के, ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ काम में लेते हैं तो देखते हैं। पहला, परम शून्य ताप पर पदार्थों की प्रकृति एवं व्यवहार को समझाने में सहायक होता है कि वहाँ पर, क्योंकि एंट्रोपी जीरो है तो उस स्थिति में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी और उसका व्यवहार किस प्रकार का होता, इन सबको समझाने के लिए ये तीसरा नियम लागू होता है, काम में लेते हैं। दूसरा, निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना की जा सकती है, मीन्स यदि हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर यदि हम जीरो मान लें तो उससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की एंट्रोपी होगी वो हम निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एंट्रोपी उसकी कैलकुलेट की जा सकती है इससे। और जब एंट्रोपी आ गई तो इससे रिलेटेड जो क्वांटिटी सी टू कैलकुलेशन, हेल्महोल्ट्ज़, फ्री एनर्जी, गिब्स फंक्शंस और बाकी जो फंक्शंस है वो सब अब कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द यूज ऑफ द थर्ड लॉ। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तीसरे नियम को तो क्या हो सकता है, देखिए कि लिमिट एंट्रोपी एस एट टेम्परेचर टी इक्वल टू जीरो इफ टी टेंड टू जीरो। यदि ताप का मान जीरो के आसपास हो, निकट हो, तो एंट्रोपी का मान भी जीरो होता है। निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना कैसे की जा सकती है, जैसे हमने किया था इसका उपयोग था, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि स्तर दाब पर एंट्रोपी में परिवर्तन डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी लिखते हैं, और डी क्यू को हम लिखते हैं सी पी डी टी। सी पी होती है स्तर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, डी टी चेंज इन टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर, डी क्यू इज एनर्जी गिवन एट पर्टिकुलर दिस टेम्परेचर। अब यदि ये मान के चले कि पदार्थ को जीरो केल्विन से टी केल्विन तक गर्म किया जाए तो जो लेफ्ट हैंड साइड है डेल्टा एस वो हो जाएगा एस टी माइनस एस जीरो, एंट्रोपी टेम्परेचर टी एंड एंट्रोपी टेम्परेचर जीरो। इसको भी इंटीग्रेट कर दें राइट हैंड साइड को तो जीरो टू टी सी पी डी टी बाई टी, और सो एस टी लिखा जा सकता है एस जीरो प्लस इंटीग्रेशन इन बिटवीन जीरो टू टी एंड सी पी डी टी बाई टी। क्योंकि हमने ये माना है कि एस जीरो परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान है जो लगभग जीरो होता है, या जो जीरो है या काल्पनिक भी हो सकता है, रियल नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। सी पी बाई टी जो है वो पॉजिटिव होता ही है,
तो इसका मतलब हुआ कि एस टी इज ऑलवेज ग्रेटर ग्रेटर देन द एस जीरो, यानी जैसे जैसे हम ताप में वृद्धि करते जाते हैं एंट्रोपी का मान बढ़ता जाता है और ये धनात्मक होता है, परम शून्य ताप की तुलना में अधिक होता है। सो जो निरपेक्ष एंट्रोपी है वो इक्वेशन सेकंड से हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। अब यदि ये सब समझे, मान लें कि एस जीरो इक्वल टू जीरो है, मीन्स परम शून्य ताप पर यदि एंट्रोपी का मान जीरो है, तो एस टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू टी सी पी डी टी बाई टी, मीन्स टी टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी आएगी निरपेक्ष मान वो आएगा जीरो टू टी सी पी डी टी बाई टी। अतः थर्ड लॉ के अन्य रूप जो लिखे थे हमने वो किस तरह से और हो सकते हैं वो देखते हैं। किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चाहे वह कितनी भी आदर्श क्यों ना हो, कितने आइडियल कंडीशंस मान लें, सब कुछ आइडियल है, तो भी परिमित चक्रों में निकाय का ताप परम शून्य ताप तक कम करना संभव नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि एंट्रोपी जीरो करना बहुत मुश्किल काम है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल काम है। इस नियम को परम शून्य ताप की अनुगम्यता भी कहते हैं, अनअटेनेबिलिटी ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इन प्रैक्टिकली वी कैन नॉट ऑब्टेन दिस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ। ओके, थैंक्स।